हेलो बच्चों, अब तक हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में शुरुआत तो कर दी है और अभी हमने करके लेक्चर में देखा कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने टाइप का हमने बताया? दो टाइप का बताया। एक होता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दूसरा होता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इसका हमने ये बताया कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को मेजर करने के लिए, उसको मापने के लिए दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन होती है स्टैंडर्ड कंडीशन, दूसरी होती है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन या फिर सिंपल कंडीशन। ठीक है, तो हमने पहले बताया था कि स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन में आपको यह बताया गया था कि उसमें स्टैंडर्ड ये होगा कि उसमें जो टेम्परेचर होगा वो 298 केल्विन होगा और जो प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। और एक चीज़ और बताई गई थी आपको कि जो सोल्यूशन वहाँ पे होगा वो 1 मोलर होगा। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा जो बताया गया था आपको, सिर्फ ये बताया गया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा, वो जो होता है ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो आप किसी भी टेम्परेचर पे आप मेज़र करो वो होता है। मतलब ऑर्डिनरली आप किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी प्रेशर पे, कहीं पर भी मेज़र करो वो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिंपल में। अच्छा, अब देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और वो दोनों ही दो पार्ट में बटे होते हैं। पहले वो कहते हैं स्टैंडर्ड, जिसे हम अभी स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, तो पहला क्या होगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा क्या होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है ना, तो आईपीएससी ने एक चीज़ यहाँ पे एक कन्वेंशन बनाया कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही जनरली ये कहा कि यही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। आप इसको देखेंगे तो एनसीईआरटी में पेज नंबर 66 में ये मेंशन है, लास्ट पैराग्राफ में। ठीक है, तो वहाँ पे एनसीईआरटी ने ये लिखा है कि एनसीईआरटी आईपीएससी के कन्वेंशन के अनुसार स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाएगा। ठीक है, ये कन्वेंशन ये आईपीएससी ने निर्धारित किया है। अच्छा, उसके बाद आपको ये बताया गया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करेंगे। वहाँ पे आपको ये बताया गया कि आपको वहाँ पे लेना होगा एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कुछ नहीं होता, क्या होता है वहाँ पे आपने एक ऐसे कोई सिस्टम लेना है, ये कांच की नली होगी और ये यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस को इसमें प्रवेश कराना है और यहाँ पे एक प्लैटिनम का टुकड़ा रखा होगा जो कैसा होता है नोबल, ये नोबल मेटल कहा गया इसको। ठीक है, अब यहाँ से एक तार, एक वायर निकाला जाता है और ये जो वायर होता है दूसरे सेल से जुड़ा होता है। देखिए वो इस तरह से, बहरहाल अभी हम थोड़ा से प्रीवियस रिवाइज कर लें, तो ये जो हाफ सेल है इसको कहते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए यहाँ जो इलेक्ट्रोड बना है ये ना, इसको कहते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसमें रिएक्शन के दौरान ये जो प्लैटिनम है खुद पार्टिसिपेट नहीं करता, ये सिर्फ सरफेस प्रोवाइड करता है ताकि जो हमारी रिएक्शन है वो प्रोसीड कर सके। ठीक है ना, अच्छा, इतना तो हमने जान लिया था प्रीवियस लेक्चर में ही। अब देखिए वहाँ पे थोड़ा सा हमने जनरल बता दिया था, लेकिन अभी हम यहाँ पे स्पेशल बताएंगे। तो यहाँ पे हम केस मान के चल रहे हैं, अभी मान लो हमको जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करना है। अच्छा, अब क्या करें हम, तो देखिए हमने कहा कि आईपीएससी कन्वेंशन के अनुसार अगर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या बात जनरली क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात जनरली हम करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको रिडक्शन पोटेंशियल ज्ञात करना है, तो हमने पहले लेक्चर में या फिर दूसरे, हाँ पहले लेक्चर में शायद बताया था आपको कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो डेवलप होता है कैथोड पे हमेशा। ठीक है, क्योंकि वहीं पर तो रिडक्शन होता है और जहाँ रिडक्शन होगा वहीं पर तो रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा। अच्छा, जब हमको ये पता है कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल को हमको मेज़र करना है तो हमको वो रिएक्शन कैथोड पे करानी होगी। मतलब अगर हमको जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल ज्ञात करना है तो हमको जिंक को कैथोड बनाना पड़ेगा, क्या यही? हाँ बिल्कुल यही। अच्छा, अब देखिए इस तरह से हमने इसको मान लिया कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रख लिया लेफ्ट में, मतलब
ये है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या है? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अच्छा तो ठीक है भैया, इसको हमने एनोड बना दिया, मान लेते हैं ये क्या है, एनोड, नेगेटिव हाफ सेल। अच्छा अभी हमने इसके पड़ोसी मुल्क में यहाँ से, यहाँ देखो यहाँ बना दिया दूसरा हमारा पार्ट या फिर जो वेसल जो भी कह ले, और यहाँ पे एक रॉड लगा दिया, और वो रॉड किसकी होगी, जिंक की, क्योंकि हमको इसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करना है। और इसमें जो हमारा सोल्यूशन होगा वो किसका होगा, वो होगा ZN। किसका? ZN जरा बताना तो किसका होगा, ZN SO4 का होगा। अच्छा अब क्या करें, इसको देखो हम अब जोड़ेंगे इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, लेकिन बीच में कोई इंडिकेटर भी लगाना है तो हम लगा देते हैं यहाँ पे वोल्ट मीटर। क्या लगा देंगे? वोल्ट, वोल्ट मीटर। इसी साल आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि जो वोल्ट मीटर होता है वो मेजर करता है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, मतलब कितना विभवांतर उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसको ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डायरेक्टली मेजर करके आपको बताएगा। मतलब यहाँ पे जो ई सेल ओरिजिनेट होने वाला है वो आपको पोटेंशियल, जो ये पोटेंशियल मीटर है, ये जो वोल्ट मीटर है, आपको डायरेक्टली बताएगा। ठीक है ना? अभी देखिए, जब अभी एक चीज़ इसमें और छूटा हुआ है, सॉल्ट ब्रिज, तो सॉल्ट ब्रिज को भी बना लेते हैं भैया, बिना सॉल्ट ब्रिज के तो कुछ काम होने वाला है नहीं, तो चलिए ये भी बना लिया हमने, ये हो गया सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, इसमें आपको जो भी भरना है सॉल्ट वोल्ट भर दीजिए, या गार अगार भरना है, या फिर KCl भरना है, जो भी भरना है भर दीजिए। ठीक है, अच्छा अभी देखो आगे क्या होता है कि इसका तो हमने जो पोटेंशियल माना है, ठीक है, इसका जो हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माना है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, वो कितना माना है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कितना माना है, जीरो माना है। अच्छा इसका मतलब ये, देखो हमने एक फॉर्मूला इसके पहले आपको डिस्कस करके आपको बताया था कल के लेक्चर में, वो ये था कि आपको याद है कि ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। याद है क्या जी? देखिए इसको हम क्या इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ई एस आर पी माइनस ई एस आर पी। ठीक है, देखिए थोड़ा सा देखिए, ये देखो ये जो यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना, ये लेफ्ट वाले का है, सॉरी ये राइट वाले का है, ये राइट साइड का है, और ये किसका है, लेफ्ट साइड वाले का होता है। अभी हमको अगर हम स्टैंडर्ड दिखाना है, अभी स्टैंडर्ड कंडीशन अगर हमको दिखानी है तो क्या करेंगे, ऊपर सिर्फ नॉट लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? नॉट। अगर नॉट लगा दिए इसका मतलब ये है कि ये जो अब पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आने वाला है, वो कैसा होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में होगा। अच्छा अभी देखिए हमने क्या मेंटेन कर लिया, यहाँ पे जो हम हाइड्रोजन डाल रहे हैं उसका प्रेशर 180 कर दिया, ये जो सोल्यूशन हमारा HCl का था, ये HCl का जो सोल्यूशन था इसकी मोलारिटी हमने कर दी 1 मोलर। अच्छा अब क्या बचा, टेम्परेचर हमने फिक्स कर दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर इसी को कहते हैं 298 केल्विन, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है, ये सब हमने कर लिया। अब यहाँ पर भी हमने ये जो सोल्यूशन था इसको भी कर लिया 1 मोलर। ठीक है, अब पूरी तरह से हमारी जो कंडीशन है वो स्टैंडर्ड हो चुकी है। ठीक है ना, अभी देखो इसकी तो माना है हमने कितना, जीरो। इसका मतलब ये कि ये देखो लेफ्ट में है ना, ये जो आने वाली इसकी वैल्यू ये हो जाएगी जीरो। इसका मतलब ये कि इस कंडीशन में जो हमारा ई सेल होगा, मतलब ये जो ई सेल होगा वही पोटेंशियल होगा इस जिंक का। ठीक है, अभी देखो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जब ये ऐसा सेटअप बनाया गया तो ई सेल जो वोल्ट मीटर पे जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है -0.76 वोल्ट। ध्यान रखिए ये वैल्यू हमारी एक्सपेरिमेंटल है, इसमें कोई भी थ्योरेटिकल डाटा नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल है, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं, ये फिक्स है -0.76।
तो इस तरह से जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना निकल गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.76। अच्छा अभी देखिए, मान लो हमको कॉपर का निकालना हुआ तो क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का विलयन ले लेंगे, ये जो रॉड है इसको कॉपर की कर लेंगे, सिंपल। अभी यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है वो उसकी वैल्यू जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई वो प्लस 0.34 आई, ठीक है। तो इसी तरह से जिसका भी हमको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्ञात करना हुआ तो हमने उसको ऐसा ही सेटअप बनाया, इधर हाइड्रोजन का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया और इसको जिसका हमको ज्ञात करना हो उसको राइट हैंड साइड पे लेके, मतलब उसको एज ए कैथोड लेके उसको ट्रीट किया और यहाँ पे जो वोल्ट मीटर ने जो भी रीडिंग दी उसको हमने डायरेक्टली क्या मान लिया, ई सेल मान लिया, ठीक है। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे आगे क्या होने वाला है, अभी तक हमने देखा कि ZN का हमने निकाला कितना -0.76 वोल्ट और यहाँ पे कॉपर का भी हमने निकाल लिया +0.34, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है पहले लेक्चर में डेनियल सेल, उसमें क्या इन्हीं दोनों इलेक्ट्रोडों का यूज हुआ था, हाँ हुआ था। तो अब देखो वहाँ का ई सेल क्या रहा होगा, वहाँ का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे कहते हैं विद्युत वाहक बल वहाँ पे क्या रहा होगा, तो हमारा फार्मूला क्या है उसके लिए, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई राइट नॉट माइनस ई लेफ्ट नॉट, ठीक है। ये हमारा फार्मूला था। अभी देखिए अगर हमको इसको लिखना है सेल के फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई लेफ्ट राइट वाले पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, वहाँ पे क्या देखो यहाँ पे क्या, अगर ये कॉपर है तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन हो रही है और क्या हो रहा होगा कि Cu2+ दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके बना रहा था Cu, ये भी सॉलिड वाला और ये कैसा था एक्वस, ठीक है। तो इसी रिएक्शन को आपने यहाँ लिख देनी है, तो इसको क्या करना है कैसे लिखेंगे सेल के फॉर्म में, Cu2+ ऐसे बीच में पाई पार देंगे छोटी सी और यहाँ पे लिख देंगे Cu। अच्छा अभी देखो आगे फॉर्मूले में क्या है, माइनस ई लेफ्ट, तो यहाँ पे देखिए इस पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, ZN त्याग कर रहा है इलेक्ट्रॉनों का, ZN2+ ये बना रहा है और +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो रहा है, ठीक, हमने यहाँ पे ये लिख दिया भैया कुछ नहीं, ZN2+। अच्छा ये हो गया, लेकिन ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है भाई साहब, ये जो निकल के आई है वो क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेकिन हमने जो निकाला है यहाँ पे ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। लेकिन आपको एक चीज़ और बताई गई थी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल आपस में एकदम बराबर होते हैं, सिर्फ अंतर क्या होता है उसके साइन में। जो ऑक्सीडेशन, अगर हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में बदलना है तो वहाँ पे सिर्फ क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं। देखिए वहाँ पे आपको बताया गया था पिछले लेक्चर में ही अभी कि ई ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो ऊपर नॉट लगा दीजिए, ठीक है। अच्छा इतना तो हो गया, अभी देखिए ये ऑक्सीडेशन के लिए गिवन है ये रिएक्शन हमारी, तो अभी हमको पता क्या है रिडक्शन वाली, तो हमको क्या करना है यहाँ पे ई सी यू, यहाँ पे सब कुछ सेम है भैया, ये रिडक्शन पोटेंशियल ही है सी यू। अब देखो ये माइनस और इसको हम बदल रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल में, तो फिर से लगाएंगे माइनस और हो जाएगा क्या ZN2+ और इधर हो जाएगा ZN, ठीक है। एक बार फिर समझिए, इसमें देखिए ये जो रिएक्शन हो रही है ZN बदल रहा है ZN2+ में, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन हमने जो वैल्यू यहाँ पे निकाली है वो किसकी निकाली है, रिडक्शन पोटेंशियल की निकाली है, वो भी स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो स्टैंडर्ड कंडीशन यहाँ पे लगा देते हैं, छूट गया था तो ठीक है। और लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है कैसी है, ऑक्सीडेशन है, हमारी वैल्यू किसकी है रिडक्शन की,
अभी इसको बदलना है हमको रिडक्शन में, तो क्या करेंगे वहाँ पे सिर्फ माइनस लगाएंगे। हमने माइनस लगाया और इस रिएक्शन क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, मतलब रिडक्शन की कर दिया। ठीक है, अभी इसकी वैल्यू जो हमारी प्राप्त हुई है यहाँ से, उसको हम यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, क्या हमको मिला है, देखिए इसके लिए क्या मिला है, इसके लिए हमको मिला है 0.34 और ये देखिए माइनस हमने लगाया और फिर से ये माइनस था तो हमने माइनस लगा दिया। अब देखिए इसके लिए हमारी वैल्यू जो मिली है वो क्या थी, 0.76। ठीक है ना। अच्छा अभी देखो क्या हुआ कि ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, क्या बनेगा 0.34 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस और जो वैल्यू आने वाली है वो हो जाएगी 0.76। अब इन दोनों को जोड़ दो तो आएगी 1.1 वोल्ट। ठीक है, ये जो 1.1 वोल्ट आया है ये हमारा इस डेनियल सेल का ईएमएफ है, ई सेल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ठीक है ना, अभी हम इसके बाद में एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, वो कौन सा होगा, तो देखिए अब जो हमारी अगली टॉपिक है वो है नेक्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए हमने आपको पहले ही बताया कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करना होता है तो हम दो कंडीशन मेजर कर सकते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और दूसरा हमने बताया था आपको कि सिंपली ऐसे आप किसी भी टेम्परेचर पर किसी भी प्रेशर पर कहीं पर भी मेजर कर लो, उसको आप सिर्फ कहोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब देखिए आप हर टेम्परेचर के लिए हर प्रेशर के लिए ये तो मतलब मेजर कर पाना और मेंशन करना किसी भी टेबल में काफ़ी मुश्किल हो गया, तो इस चीज़ को मेजर करने के लिए कि किसी टेम्परेचर पे मान लेते हमको मेजर करना है 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या फिर मेजर करना है मान लो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेजर करना है, मोलारिटी हमको 2 कर देनी है, 3 कर देनी है, 0.00002 कर देनी है, प्रेशर हमको बढ़ा देना 4 कर देना, 8 कर देना, 4 ATM कर देना, तो अगर कंडीशन ऐसी आ जाए तो उस कंडीशन में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे मेजर करें, हमारा जो ईएमएफ है वो कैसे मेजर हो, इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए नस्ट जी ने एक इक्वेशन बनाया जिसे कहते हैं नस्ट इक्वेशन। क्या कहते हैं, नस्ट इक्वेशन या फिर नस्ट समीकरण। ठीक है, उनका जो इक्वेशन था वो ये था कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपान NF LN प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इसकी पावर X, इसकी पावर Y। देखिए इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, इतना बड़ा सा लंबा सा समीकरण देख के आपको घबराना नहीं है। ठीक है, मैं एक एक टर्म को अच्छे से डिफाइन कर रहा हूँ, आप लोग देखिए। केवल देखिए ई सेल क्या है, हमारा किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी प्रेशर पे और किसी भी कंसंट्रेशन पे, किसी भी सांद्रता पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये तो आपने पता है। ये क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन में है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट मीन 298 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और मोलरिटी जब 1 हो मतलब कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, और अगली कंडीशन क्या थी जी, हमारा जो प्रेशर था वो कितना था 1 ATM। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अभी देखिए कुछ नए टर्म यहाँ पे आए जिससे R, ठीक है आया भाई नया टर्म, इसको देख लेते हैं और क्या आया है, T आया है, और क्या आया है, N नया आया है, और नीचे वाला F भी नया है। ठीक है, ये 4 टर्म नए हैं। अच्छा भैया नया कोई बात नहीं। देखो जो R है इसे कहते हैं गैस कांस्टेंट, मतलब होता है इसका गैस नियतांक। क्या होता है, गैस नियतांक, और इसकी वैल्यू होती है 8.3। ठीक है, और ये क्या है, टी तो आप जानते ही है, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं परम ताप। क्या कहते हैं, परम ताप, मतलब ऐसा ताप जो केल्विन में मेजर होता हो उसे क्या कहते हैं, परम ताप कहते हैं। क्या कहते हैं, परम ताप कहते हैं।
अच्छा ठीक है। और यहाँ पे देखो जो यन है ना, जैसे कोई भी रिएक्शन जब चल रही है किसी भी हाफ सेल में या फिर किसी भी पूर्ण सेल में, तो वहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है किसी भी रिएक्शन में, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं उनका नंबर है, ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन के समय, ठीक है, जो सेल में चल रही है, ठीक है। अभी देखो ये F क्या है, F कुछ नहीं है, F है फैराडे नियतांक, फैराडे कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है 96,487 होता है कूलाम पर मोल, ठीक है, कूलाम पर मोल। आपने सबकी यूनिट याद करना बहुत ज़रूरी है। देखिए फैराडे का कितना होता है, 96,487 कूलाम पर मोल, और इसका कितना होता है 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल। अच्छा देखिए जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये 4,887 ये थोड़ा सा अजीब लगता है, तो हम सार्थक अंक से इसको थोड़ा सा बदल लेते हैं, इसको कर लेते हैं लगभग 96,500। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगी, लेकिन जो हमारा न्यूमेरिकल होगा वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बार फिर समझते हैं, इस सेल क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इन द सिंपल कंडीशन, इन आउट सेल क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन में है, क्या है स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, आर क्या है, गैस कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल, टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है मतलब परम ताप है, और इसको मीजर किया जाता है, मापा जाता है किसमें, केल्विन में मापा जाता है, एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन के समय चल रही है। जैसे यहाँ पे मान लो कि जैसे हमारा डेनियल सेल ही है, अभी ये जिंक ऑक्सीडाइज होगा और क्या बनाएगा, Zn2++2 इलेक्ट्रॉन, और ये इस 2 इलेक्ट्रॉन को हमारा कॉपर जो है वो एक्सेप्ट करेगा, कॉपर 2+ और बनाएगा Cu। तो कितने इलेक्ट्रॉनों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, 2, तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी होगी, 2, ठीक है। F क्या है, यह फैराडे कांस्टेंट है, फैराडे नियतांक है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 96,487 या, और इसकी यूनिट होती है कूलाम पर मोल। न्यूमेरिकल जो हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ी सी टफ पड़ेगी, इसलिए हम इस वैल्यू कितना कर लेते हैं 96,500, ठीक है। अभी देखो ये जो हमारा इक्वेशन हमको मिला है ना, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब इसका सरलीकरण करते हैं, इसको सरल करते हैं। अभी देखो अगर हम सबकी वैल्यू यहाँ पे रख दें, आर की वैल्यू रख दें, टेम्परेचर को फिक्स कर दें 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मीन 298 केल्विन, और फैराडे कांस्टेंट की भी वैल्यू रख दें, तो ये जो हमारा इक्वेशन है वो इस फॉर्म में बदल जाता है। वो किस फॉर्म में बदल जाता है, इस सेल माइनस 0.05, ठीक है, टी अपान एन, ठीक है, सॉरी थोड़ा इग्नोर भैया, थोड़ा तो एडिट कर रखो, तुम्हारा इक्वेशन क्या आएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.05 अपान एन एल एन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की पावर एक्स और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर वाई, ठीक है। देखिए ये जो पावर है ना, ये कुछ नहीं है, जो यहाँ एक्स है और यहाँ पे वाई है, ये कुछ नहीं है। जैसे अब कोई रिएक्शन होती है ना, तो उसमें स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। जैसे मान लो रिएक्शन चल रही है यहाँ पे, मान लो NaCl, मान लो दूसरी रिएक्शन HCl प्लस MgOH, सिंपल सी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब इसको जब ये रिएक्शन हो रही होती है तो 2 मोल ये लगता है और 1 मोल ये, ठीक है, क्या बनाएगा MgCl2+H2O, ठीक है, ये बनाएगा ना। देखो इसमें HCl के पहले यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पे MgOH के पहले यहाँ पे 1 नहीं लिखा है, लेकिन मान लिया जाता है 1 है। तो ये जो
दो या फिर एक है, इसी को कहते हैं स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट में ये पद होंगे उसको यहाँ लिखेंगे वाई वाला, और ये प्रोडक्ट में देखो यहाँ पे दो है जैसे यहाँ पे, तो ये वाला पद यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। जनरली इस टर्म को बुक में मेंशन नहीं किया जाता, लेकिन मैंने मेंशन किया है यहाँ पे इसको, क्योंकि अभी आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी क्रिएट होगी। तो हम यहाँ पे अब सॉल्व करने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। देखिए हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित अर्धशेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको दिया गया है कि एफ ई ऑक्सीडाइज हो रहा है या फिर 2+ में, जिसका कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रहे हैं 0.44 वोल्ट, ठीक है। तो इसका हम अब देखते हैं सोल्यूशन किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। हमारा नेक्स्ट इक्वेशन क्या था, ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.05 अपान एन एल लॉग, लॉग कितना था यहाँ पे, प्रोडक्ट था हमारा, प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट, यहाँ एक्स था यहाँ वाई, ठीक है। अच्छा ये हमारा इक्वेशन है। अब देखिए यहाँ पे ये जो रिएक्शन चल रही है वो क्या है, एफी गिव्स आउट एफी 2+, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए हमारा हो गया क्या, रिएक्टेंट हो गया और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना। अभी देखिए क्या करेंगे कि सबकी वैल्यू रख देंगे। देखिए ये हमको पता करना है विद्युत वाहक बल, ये हमको पता करना है, और ये देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है, और यन देखिए इस रिएक्शन में कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, यहाँ पे इस रिएक्शन देखेंगे यहाँ पे 2+ आ रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अच्छा अभी सब कुछ पता चल गया है, यहाँ पे कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की क्या होगी और रिएक्टेंट क्या होगी, देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की दी हुई है, ये देखिए होता है सॉलिड, और अगर कोई सॉलिड है तो उसका जो कंसंट्रेशन है वो मान लिया जाता है कि उसका कंसंट्रेशन कितना है, 1 है। अच्छा मतलब ये देखिए यहाँ पे कौन कितनी वैल्यू रख दी जाएगी, 1 रख दी जाएगी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.1, ठीक है, ये इतना 0.1। अच्छा अब इसको सॉल्व कीजिए फटाफट, क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू, ई सेल नॉट की हमने वैल्यू रख दी 0.44 माइनस 0.05 अपान 2 लॉग, यहाँ प्रोडक्ट कितनी वैल्यू आई है, 0.1 अपान 1, ठीक है। अब ये 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए फिर से यहाँ से आते हैं 0.44 माइनस 0.05 अपान 2 लॉग, लॉग इसको क्या हम लिख सकते हैं, 10^-1 लिख सकते हैं ना। अब देखिए अगर यहाँ पे पावर है तो देखिए एक लॉगार्थी में एक फॉर्मूला होता है, लॉग एक्स टू द पावर अगर कोई कुछ भी वाई है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि वाई लॉग एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए इस फार्मूले के अनुसार तो ये जो माइनस वन है ये यहाँ से यहाँ चला आएगा, आगे चला आएगा, ठीक है। अब देखिए कितनी वैल्यू हो जाएगी, 0.44 माइनस 0.05 अपान 2, देखिए आया यहाँ पे माइनस गुणे माइनस 1 लॉग 10 एट द बेस 10। अच्छा अब यहाँ पे देखिए अगर लॉगरिथम में एक और फार्मूला पढ़ाया जाता है कि अगर लॉग की जो बेस है यहाँ पे ऊपर जो वैल्यू है दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू होती है 1। अच्छा अब ये भी तो मतलब 1 हो गया, ये पद खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस 1 और इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और कितना हो जाएगा, 0.44 प्लस 0.05 अपान 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.44 प्लस ये कितना आएगा, 0.025, इसके बराबर कितना हो जाएगा,
इसको इसमें ऐड कर दो, कितना होगा देखो, 5, 2 और 4, 6 और 4, तो 4 ही रहेगा ये वोल्ट में, ठीक है। तो इस हाफ सेल का जो हमारा ईएमएफ होगा कितना होगा, 0.465 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था, अभी आपके लिए कुछ होमवर्क है वो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। देखिए ये आपका होमवर्क है, सिर्फ 2 सवाल आपको आज दिया जा रहा है, अगले जब हम लेक्चर मिलेंगे तो फिर और अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, और फिर आपको जो होमवर्क मिलेगा वो भी और अच्छा रहेगा, ठीक है।